दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। बालाघाट जिले में एक बहुत ही बड़ी एक घटना, बहुत ऐसा फेमस प्रसिद्ध यहाँ पे घटना हुई थी डबल मनी नाम से। अभी हम किरनापुर में खड़े हैं और यहाँ कुछ लोग जो बैठे हैं जिन्होंने अपना एक राशि डबल करने के लालच में बोलो या प्रलोभन में या किसी के माध्यम से उनके पास रुपए जमा किया था, तो ये घटना कैसी क्या है ये इस घटना पर हम प्रकाश डालेंगे और कुछ लोग यहाँ बैठे तो इनसे हम चर्चा करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक पुरी गोस्वामी। व्यतीत हो कि कुछ दिन पहले ही मैंने पुलिस मुख्यालय में मुंडेसरा सरपंच अजय पाची के खिलाफ और मेरे सभी साथियों ने मिलकर हम सब ने एक साथ उसके पास जो जमा राशि की थी डबल के लिए, बहुत ही कम समय में डबल करने का उसने हमें प्रलोभन दिया था। चिर परिचित है, गांव वाला है करके हमने विश्वास किया, भरोसा किया और उसने हमारे पैसे लूट लिए। आज थाना किरनापुर से हमें बुलाया गया था, हमने हमारा कथन जारी किया है कि हमने वास्तविकता में कैसे क्या उसने हमें किस प्रकार से षड्यंत्र का शिकार बनाया और हमने हमारे पैसे खोए। मैंने 10 लाख रुपए खोए, मेरे साथियों ने भी अलग अलग राशि खोई है। इसके पहले कभी डबल करके दिए थे आपको? अभी कभी उन्होंने मुझे, फर्स्ट टाइम हम लोग उनकी इस दुर्दांत के ताके शिकार हुए हैं और आज हमने पुलिस प्रशासन से भी ये विनती की है कि उस उक्त व्यक्ति को इस बात के विषय में कि उसने हमारे साथ जो धोखाधड़ी की है उसकी उसे सजा दिलवाए। सर आपने कैसा मान लिया था कि ये व्यक्ति डबल कर देगा या ऐसा कोई फैक्ट्री है, कंपनी उसकी, किस टाइप से? सर जहां तक मुझे जानकारी है, मेरे चिर परिचित लोगों ने बताया कि उसने 2 बार लोगों के पैसे डबल करके लौटाए हैं। अच्छा। ये उसके गांव के लोगों की कंफर्मेशन थी और हमारे चिर परिचित लोगों का कहना चाहिए कि कहना था कि ये कर रहा है तो हमने भरोसा कर लिया, है ना। मैं मेरे पिताजी के साथ आकर इसके पास पैसा जमा करके गया था। सर मुझे बड़ा दुख है कि आज मेरे 70 साल के पिताजी को अपनी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा है। तो आज तक के उन्हें कोई राशि लौटाया, कुछ आश्वासन दिया आपको? सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन आते रहे हैं उसके लोगों के, उसके खुद के फोन शुरू में आते रहे, अब बिल्कुल फोन नहीं करता है। अब उसके लोगों के फोन आते हैं कि 2 महीने में दे रहा हूँ, 3 महीने में दे रहा हूँ। अभी कंकारने से 25 जून का सुना है तो अभी उसने फिर हमें झांसा देने की कोशिश की है, पर अब इस बार झांसे में नहीं आना चाहते। किसी ने FIR किया उनका? सर इससे पूर्व में भी हमारे समय में जिन लोगों ने पैसा जमा किया था उन्हीं की FIR के चलते आज वो फरारी कहते हैं कि फरार घूम रहा है, गिरफ्तारी नहीं हुई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो फरार है ऐसा कहा जाता है। प्रशासन ने ऐसा हमें अवगत कराती है कि तो हमारे को देखने में आ रहा है कि आए दिन वो सभा ले रहा है अपनी पंचायत की। अच्छा। ग्रामीणों में काम कर रहा है, ग्रामीण अंचलों में काम कर रहा है, देखने में तो यही आ रहा है कि वो खुलेआम घूम रहा है और साथ मिली जुली सरकार है। पुलिस पर कोई, देखिए सर मैं पुलिस पर इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि पुलिस पे फेथ सिर्फ मेरा ही नहीं है, सबका है। हम पुलिस को प्रोटेक्शन की सीमा मानते हैं तो मैं उनपे नहीं कहूंगा। ये गाँव वालों के उसके कुछ मतलब उसके साथ जो जुड़े लोग हैं ये उनकी साजिश है कि जब कभी पुलिस वहां जाती होगी वो उन्हें फरार मिलता होगा। मैं पुलिस से कोई, पुलिस प्रयास कर रही है जी, पुलिस बिल्कुल प्रयास कर रही है। हमारे TI साहब शिवचरण जी हैं, सदकी जी जांच अधिकारी हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और मुझे, मैं प्रशंसा करूंगा कि ऐसे अधिकारी या इस जिले को और मिलते रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद नागपुर है। तो अभी जो आपने सुने जो इनके साथ घटना हुई है, तो क्या आपने भी वहाँ इन्वेस्टमेंट किया था अपना पैसा? जी हाँ, मेरी भी घटना, मेरे साथ में उसी घटना हुई है और मेरे साथ में काफी ज्यादा मात्रा में हुई है। कितना रुपए डाला है आपने? सर मेरे 2 करोड़ 55 लाख है। इसके पहले कितने बार डबल हुआ आपका? नहीं कभी नहीं हुआ सर, हम लास्ट में फंसे अंधे मंत्री में। 2 करोड़ आपका ही है क्या, आपके परिवार? नहीं नहीं, टोटल परिवार का है, हमारे परिवार है 5-7 लोग वो सब मिला करके। तो क्या प्रयास क्या कर रहे हैं अपना पैसा रिटर्न के लिए? मैंने प्रयास कर दिया उसके लिए, जो SP साहब है बालाघाट से उन तक के वो डॉक्यूमेंट उनसे सरा लिया मैं। अच्छा। सरा लेने के बाद उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट का पूरा काफी जेराक्स वगैरह कर कम्प्लीट स्टाफ में एग्रीमेंट करके जो जो एजेंट आपके साथ में ये वैसे 19 एजेंट का नाम मेरे पास में, उन तमाम जानकारी देकर। रुपए किसके पास जमा किया था सर? उसे ज्यादा रुपए जमा करने वाले हमारे आदरणीय सम्मानित नागपुर जी करने वाले हैं। अच्छा। साथ साथ में एक चेक वगैरह देते थे सुना था हमने। हाँ चेक दिया गया साथ साथ में और एक बहुत अच्छा व्यक्ति था जो अच्छा मानता था मैं, जुनवानी से कबीरे उनके एजेंट था रोहित कबीरे और एक था कालबेले, रोहित कालबेले।
चेक चेक कितने का दिया? समृद्ध सब मिला के चेक तो 2.5 करोड़ के, 2 करोड़ 55 लाख का चेक है। बैंक में लगाए नहीं आपने चेक को? बैंक में वाले 5 बार 7 बार लगा चुका हूँ, और यहाँ तक कि एक और नगराल जी करके हैं, घनश्याम नगराले नासिक के हैं, उनके चेक है मेरे पास 18 लाख के। उस चेक को मैंने 5 बार बैंक चेक बाउंस कराया बैंक से, और कोर्ट में केस डाला, नोटिस भेजा उनके घर तक के, नोटिस वापस आया बार बार कि उनको घर पर मिलता नहीं था। क्या उम्मीद है, आस रखे या आशा छोड़ दी आपने? नहीं, पैसा तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जहाँ भी होंगे, अगर वो गड्ढे में घुसेंगे वहां से खुद पैसा निकालूंगा, ये मेरा वापसा वादा है। बिल्कुल नहीं, ये तो काम पुलिस का है ना सर, आप नहीं कर सकते। पुलिस नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, पुलिस नहीं कर पाएगी। पुलिस तक हम लोग पहुंच रहे हैं। मैं एक भाजपा के पत्ता से ग्रुप में सामने आ रहा हूँ, ये मेरा कर्म है कि अपने कर्म अपने के लिए, अपने काम के लिए मेहनत करूँ, परिश्रम करूँ, और उन लोगों तक, पुलिस तक के पास पहुंचाऊं। बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी जो आपने सुने, नागपुर जी हमारे सामने बैठे हैं, अभी बीजेपी से जो विधानसभा के चुनाव है तो टिकट के दावेदार भी हैं, और इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए वहां जो लगा है उनने, तो ये जो बता रहे, आगे देखेंगे कि जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन के तरफ से इनको क्या न्याय मिलता है, क्या आरोपी पकड़ा जाता है, क्या इनके रुपए वापस होते हैं। कैमरा मैन एसन लिल्लारे के साथ मैं दीपक कुथेकर, नमस्कार दोस्तों।